ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपको बता देता हूँ कि फ़ोनपे के ज़रिए आप ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड कैसे परचेज कर सकते हैं और उसे कैसे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है अपनी फ़ोनपे ऐप। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और यहाँ पर आपको फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर पहले से आपके पास कोई गिफ्ट कार्ड है तो मैं बता देता हूँ क्लेम कैसे करेंगे। उसे क्लेम आप यहाँ से करेंगे। आप क्लेम नाउ पर क्लिक कर देंगे और फिर वो गिफ्ट कार्ड का नंबर और उस गिफ्ट कार्ड का पिन डाल के आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो उस गिफ्ट कार्ड का बैलेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये तो था कोई दूसरा आपको गिफ्ट कार्ड दे तो उसे कैसे क्लेम करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है फ़ोनपे से खुद का गिफ्ट कार्ड कैसे परचेज कर सकते हैं और किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गिफ्ट कार्ड परचेज करने के लिए बाय न्यू कार्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालना है जितना अमाउंट का आपने गिफ्ट कार्ड परचेज करना है। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए 10 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद क्लिक कर दूंगा बाय नाउ के बटन पर। बाय नाउ के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर फोन पे का पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप ऐड डेबिट कार्ड पर क्लिक करके डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पर डालेंगे तो आपका डेबिट कार्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। या अगर आपका डायरेक्ट UPI लिंक है तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, पे के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर अपनी 4 डिजिट का UPI पिन डाल के आपने नीचे दिए गए टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ही डाल दिया 4 डिजिट का जो है पिन और फिर कर दिया ओके। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जो है प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से चलेगी। और ये देखिए आपका जो है गिफ्ट कार्ड सक्सेसफुली परचेज हो चुका है। इसमें आपको गिफ्ट कार्ड नंबर पिन आपको मिल जाएगा। इसे आप चाहे तो सेंड एज ए गिफ्ट करके रिसीवर का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं जिसे गिफ्ट करेंगे और उसके बाद आप इसे कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करते ही बहुत सारी ऐप्स खुल जाएंगी तो आप किसी भी ऐप के ज़रिए किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेजना चाहूँ तो व्हाट्सएप पर क्लिक करूँगा, उसके बाद उस बंदे का नाम जिसको भेजना है और फिर ये देखिए कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक मैसेज टाइप हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जैसे ही सेंड पर क्लिक करूँगा तो ये गिफ्ट कार्ड सामने वाले बंदे के पास पहुँच जाएगा। तो जैसे अब मैंने आपको क्लेम करके बताया था वैसे ही अपने फ़ोनपे में इस गिफ्ट कार्ड को वो क्लेम कर पाएगा और अपने फ़ोनपे में बैलेंस ऐड कर पाएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोनपे के ज़रिए कोई भी गिफ्ट कार्ड परचेज करके किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। दोस्तों फ़ोनपे के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि फ़ोनपे के एक एक फीचर के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं और उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी उस प्लेलिस्ट का आइकन दिख जाएगा। तो आप कहीं से भी उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाके फ़ोनपे के अलग अलग फीचर्स की वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि फ़ोनपे के अलग अलग फ़ीचर्स को कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मेरे चैनल पर आपको एक से एक यूज़फुल वीडियो मिलेगी।